सेंधवा, आगामी त्यौहार अनंत चतुर्दशी और ईद मिलादुन्नबी में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पैदल शहर के मुख्य मार्गों से संवेदनशील इलाकों से गुजरा पुलिस का फ्लैग मार्च। एसडीओपी सेंधवा शहर तथा ग्रामीण दोनों थानों के समस्त बल इस फ्लैग मार्च में मौजूद रहा। दल बल से निकले पुलिस अधिकारियों का उद्देश्य था शांति और सौहार्द से इलाके में सभी जगह त्यौहार मनाया जाए। बड़े ही धूमधाम से निकली बाबा रामदेव जी की ध्वज यात्रा, कल होगा भंडारा। निवाली नगर में आज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भादवा माह की नवमी को बाबा रामदेव की ध्वज यात्रा निकाली गई, जो श्री राम मंदिर से होते हुए तालाब स्थित मंदिर परिसर पहुंची, जिसमें डीजे की साउंड व धुन पर महिलाएं व पुरुष थिरकते नजर आए। इस ध्वज यात्रा में का जगह जगह पर स्वागत किया गया। इस ध्वज यात्रा में कुमावत समाज, प्रजापत समाज व खेतिया के सिरसाट समाज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं कल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। गणेशोत्सव के आकर्षक पंडाल और भगवान श्री गणेश के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु, 11,000 रुद्राक्ष का अभिषेक कर किया वितरण। पलसुद नगर में गणेशोत्सव पंडाल में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजमान कर रोजाना पूजा व आरती की जा रही है। पंडाल में भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूप की प्रतिमाएं आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। नगर में 20 से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक गणेश पंडाल है, जिसमें श्रद्धालु सुबह शाम मंदिर व पंडाल में विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे 10 दिवसीय गणेश उत्सव का बड़ा उत्साह बड़ा पूरे बड़वानी जिले में है, और छोटे छोटे ग्रामों में जब हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इस बार गणेश उत्सव में स्थानीय कलाकारों द्वारा बहुत आकर्षक झांकियाँ बनाई गई है, आकर्षक गणेश प्रतिमाएँ रखी गई है। आज जैसे पलसुद नगर में राधा अष्टमी के अवसर पर राधा जी का स्वरूप देते हुए कृष्ण जी का जन्म उत्सव जैसा मनाया गया है, वहीं शिवलोक जो बनाया गया है 12 ज्योतिर्लिंग और यहां पर 11,000 रुद्राक्षों का जो वितरण मात्र शक्ति और समस्त हिंदू समाज के लिए किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा उत्सव है। और इस बार ये देखने में आया है कि युवा वर्ग जो है वो सनातन की ओर जुड़ा हुआ है और सनातन की ओर बढ़ रहा है, इसलिए निश्चित रूप से आने वाले समय ये हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छे से शुभ संकेत है। पूरी आयोजन मंडली और सारे बड़वानी जिले के सभी गणेश पंडालों के लिए, युवा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।